कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। भैया को फोन करती हूँ, कल रक्षाबंधन है, बात करती हूँ भैया से। हेलो। हाँ बहन। हेलो भैया। भैया आप कल रक्षाबंधन आ पाओगे? नहीं नहीं मुझे याद है कल रक्षाबंधन है। आपको याद है भी या नहीं? बहुत दिन हो गए आप आए नहीं हो, और आप आओगे ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके आना, ठीक है? तेरे लिए गिफ्ट? ठीक है। मालिक वो मैं क्या कह रहा था, कल रक्षाबंधन है मालिक। तो मेरी एक बहन भी है मालिक, उसके लिए कुछ लेके जाना है मालिक। पैसे मिल जाते थोड़े तो अच्छा होता। रोज रोज पैसे कहाँ से दूंगा मैं? वो मालिक अभी दे दे तो बहुत कृपा हो जाती, क्योंकि कल रक्षाबंधन है मालिक, बहन के लिए कुछ लेके जाना है। बस तुम्हें रोज पैसे चाहिए, काम वाम करो, नहीं करो, नहीं करना, निकल जाओ। मालिक पैसे दे दो, कल रक्षाबंधन है मालिक। पैसे ऐसे कुछ नहीं है, काम करना करो, नहीं जा सकते यहां से मालिक। हटो जाए, ये सब मत करो मेरे सामने मालिक। मालिक पैसे दे दो प्लीज, धक्का मत करना, करो बंद जाओ यहां से, मैं जा रहा हूं यहां से मालिक। और आप आओगे ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके आना, ठीक है? छोटी छोटी तुम आ गए। और छोटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप ठीक हो? हाँ मैं बढ़िया, बहुत अच्छे। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। वो तो मैं नहीं ला पाया, लेकिन ये है ना, बस यही है मेरे पास अभी। कैसी लगी हमारी वीडियो? तो ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों एक बात और हम बोलना चाहेंगे, रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को प्यार से राखी बांधे, और भाई कुछ दे ना दे लेकिन आपको उसका बहुत वो होना चाहिए। अगर भाई एक रुपया भी देना तो आप उसे भी रख लो, क्योंकि आपको पता नहीं आपका भाई कितनी मुश्किल से कमाता है, और कुछ कुछ बहनों के तो भाई भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों उनसे पूछो कि उनको कितना बुरा लगता होगा, इसीलिए हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको, खुशी से मनाएं। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का।